गाइज आज तो इन फ्री फायर वालों ने कमाल ही कर दिया। मतलब आप लोग देख रहे हो यहाँ पे MP40 की न्यू स्किन रॉयल फ्लस आ चुकी है, और उसी के साथ में यार पोकर MP40 येलो ग्रीन ब्लू और रेड ये भी आ चुकी हैं। बाबा आप लोग देख सकते हो गाइज इनक्यूबेटर आया है, एंड इनक्यूबेटर के अंदर आप लोग देखो यार ये ब्लू कलर की जो है रॉयल फ्लस MP40 है, और गाइज यहाँ पे MP40 ब्लेजिंग हर्ड ये पोकर MP40 में आती है, और ग्रीन कलर की पोकर MP40 आप लोग देखो, येलो कलर की पोकर MP40। गाइज मुझे तो यार येलो कलर की पोकर MP40 पा रहा है, देख रहे हो कितनी सस्ती मिली है। मतलब एक ब्लू प्रिंट आपको चाहिए और 3 स्टोन आपको चाहिए, आप इसे इजिली अपने घर ले जाओगे, आई मीन अपनी आईडी में ले जाओगे। और गाइज यहाँ पे ब्लू कलर की पोकर MP40 आप लोग देख लो, इसका ये ब्लू प्रिंट है। गाइज आज की इस वीडियो में निकाल वाले मेरे पास 420 डायमंड हैं, देखते हैं। मुझे तो यार यहाँ पे येलो वाली पोकर MP40 चाहिए, अगर 420 डायमंड के अंदर अंदर एक यहाँ पे ब्लूप्रिंट मुझे मिल जाता है तो भाई बड़े ही कमाल की बात होने वाली है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे 10 स्टोन हैं एंड मुझे सिर्फ एक ही ब्लूप्रिंट चाहिए। तो चले गाइस देखते हैं क्या होता है, एंड यहाँ पे मैं स्पिन करने वाला हूँ जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे सबसे बढ़िया बात जो है ना वो मुझे यहाँ पे ये लगी कि जो हमारी पोकर MP40 येलो कलर की बहुत यहाँ पे हमें चीप प्राइस में मिल रही है, और गाइस यहाँ पे जो रॉयल फ्लस स्किन है इसका आप लोग एट्रीब्यूट देख सकते हो, डबल डैमेज है, रेट ऑफ फायर सिंगल है लेकिन एक्यूरेसी घट चुकी है। बट यार यहाँ पे जो येलो कलर की पोकर MP40 आप लोग उसमें देखो, डबल डैमेज है, रेट ऑफ फायर सिंगल इंक्रीज है लेकिन यार रेंज घट चुकी है, जो कि यार ज़्यादा मैटर नहीं करती। बट यार मुझे तो येलो वाली चाहिए, क्योंकि मुझे येलो वाली बहुत ही ज़्यादा तगड़ी लग रही है देखने में। तो और यार कई लोगों के पास भी नहीं है ये येलो वाली, ठीक है। तो पिछली बार आई थी कई लोगों ने नहीं निकाली थी, थोड़ी बहुत रेयर हो चुकी थी, एंड मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि पोकर MP40 रिटर्न आने वाली है। और गाइज आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, पोकर MP40 फाइनली रिटर्न आ चुकी है आपके इंडिया सर्वर में, और गाइज कोबरा MP40 के भी चांसेस बनने हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि कोबरा MP40 रिटर्न कब आएगी, उसके ऊपर वीडियो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए गाइज वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट के। सो गाइज आप लोग यहाँ पे देख लो, ये इवेंट जो है 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक चलने वाला है, और गाइज यहाँ पे फर्स्ट स्पिन है 40 डायमंड का, एंड गाइज यहाँ पे 5 स्पिन है 180 डायमंड के। तो यार यहाँ पे मैं एक छोटी सी ट्रिक खेलूंगा एंड देन ट्राई करते हैं क्या होता है, क्योंकि यार मुझे यहाँ पे एक ही ब्लू प्रिंट चाहिए, और एक ब्लू प्रिंट निकलने के लिए आपके ज़्यादा डायमंड भी खर्च हो सकते हैं एंड 180 के स्पिन में भी निकल सकता है, वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यार मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो आप लोग देखो यार, जो मैं आपको येलो वाली पोकर MP40 दिखा रहा था ना, वो बिल्कुल मतलब बनी MP40 की तरह है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखा दूँ MP40 के बारे में, देखो डैमेज सिंगल है लेकिन रेंज इसमें डबल है बनी MP40 में, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज के मामले में तगड़ी है बनी MP40 और कुछ नहीं। और यार जो येलो पोकर MP40 जिसे मैं निकालने वाला हूँ एक ब्लू प्रिंट में, उसमें यार डबल डैमेज है और क्या था पता नहीं यार, मैं भूल गया, ठीक है। तो वो बहुत तगड़ी मुझे लग रही है बन्नी से भी। तो चलो यार निकालते हैं यहाँ पे एंड देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले यार मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना कैरेक्टर हटा देता हूँ, ठीक है। कैरेक्टर यहाँ पे मैं ले लूँगा यार एडम, क्योंकि यार मैंने एक पिछली बार क्या हुआ था कि कोबरा बंडल जो रिटर्न आया था उस बार मैंने ट्रिक यूज़ की थी, तो भाई कई लोगों का वर्क करी थी और सच में यार उनके लास्ट एग टोकन बहुत ही जल्दी निकल चुका था, ठीक है। तो गाइज मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हो गाइज मैंने अपने बैकपैक सब कुछ हटा दिया है, एंड गाइज चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैट भी हटा दिया है, और गाइज बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा लक रॉयल में जो है अपना लक इंक्रीज कर लूँगा गोल्ड रॉयल में, अगर यार यहाँ पे मेरा अभी तो बंडल भी नहीं निकला है गोल्ड रॉयल का, तो चलो यार देखते हैं अगर बंडल निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो भाई अपना लक तो इंक्रीज़ होगा ही, ठीक है। तो गाइज इंक्यूबेटर में आ चुके हैं यहाँ पे MP40 का ये रहा। तो चलो गाइज यहाँ पे हम स्पिन करते हैं, एंड गाइज मुझे ज़रूरत है एक ब्लू प्रिंट की, जो कि यार अगर 5 स्पिन में निकल गया तो ठीक है, एंड देखते हैं गाइज और डायमंड हम यहाँ पे टॉप अप करने वाले हैं। और गाइज अगर आप अपनी फ्री फायर आईडी में बिल्कुल फ्री में डायमंड लेना चाहते हो, तो यार उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एप्लीकेशन का लिंक दे दिया, आपको नॉर्मली लिंक पे क्लिक करना है एंड एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और गाइज आपको जितने सारे डायमंड चाहिए अपनी फ्री फायर आईडी में भाई ले सकते हो, मैं भी वहीं से डायमंड लेता रहता हूँ। तो क्या कर रहे हो मेरा, जल्दी जाओ एप्लीकेशन डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और अपनी आईडी में फ्री में डायमंड ले लो। तो चले गाइज यहाँ पे हम स्पिन मारते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँ यार, 5 का स्पिन मारूँ सीधा, चलो यार 5 का स्पिन मारते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर मैं डोंट रिमाइंड अगेन, अरे यार प्लीज़ यार भगवान जी प्लीज़ निकलवा देना एक स्पिन, तो ये मतलब एक मेरा ब्लू प्रिंट तो निकल जाना ही चाहिए, जो कि यार अच्छी बात मेरे लिए हो जाएगी। चलो एक स्टोन मिला, सेट यार 30 आइटम, कोई बात नहीं, एक स्टोन मिला वो ठीक ठाक है। एंड चलो यार यहाँ पे हम फिर से 180 का मारते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। थोड़ा यार आपकी बार हम क्लियर कैसे करते हैं, देखते हैं निकलता है तो। चलो यार आपकी बार मैं प्रीमियम करेक्टर यूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि यार मेरा पिछली बार एग टोकन जो निकला था कोबरा बंडल में प्रीमियम कैरेक्टर यूज़ करने से निकला था, तो मैं मैक्सिमम कैरेक्टर ज़्यादा यूज़ करता हूँ, प्रीमियम तो है नहीं, फिर भी यार ट्राई करते हैं यहाँ पे हम MP40। चलो यार एक स्पिन चाहिए ओनली, एक स्पिन प्लीज़, मतलब एक स्पिन है, एक ब्लू प्रिंट चाहिए, और यार वो ही निकल जाना चाहिए तो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे होने वाली है, बहुत ही तगड़ी बात हो जाएगी, क्या ही बोलूँगा उसके बारे में। तो
यार प्लीज़ एक और सेट बेकार है। कोई बात नहीं, अब यार मैं यहाँ पे अलोक को यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि मैंने उस टाइम अलोक भी यूज़ किया था, तो अलोक से शायद मुझे लगता है निकल सकता है। एंड अगर नहीं निकलता है तो यार मैं कोई और ट्रिक यूज़ करने वाला हूँ और यहाँ पे डायमंड टॉपअप करूँगा। बस मुझे एक ही यहाँ पे ब्लू प्रिंट की ज़रूरत है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं ब्लू प्रिंट निकालने वाला हूँ एंड सीधा 40 का स्पिन करते हैं क्योंकि मेरे पास 60 ही डायमंड बचे हैं। प्लीज़ यार निकल जा सेट, यार क्या ही बोलूँ, ये तो बहुत ही बेकार मामला हो चुका है। एंड गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मुझे 2 स्टोन मिले हैं ओनली 400 डायमंड में, और गाइज मेरे पास हो चुके हैं टोटल स्टोन कितने, 12, ठीक है? तो 12 स्टोन मेरे पास हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक ही पोकर MP40 को निकालने वाला हूँ जो कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे फ्लेशिंग स्पेड। इसी वाली MP40 को मैं निकालूंगा क्योंकि एक तो बहुत ही ज़्यादा सस्ती है, एक ब्लू प्रिंट आपको चाहिए और 3 स्टोन आपके यहाँ पे लगेंगे इसको निकालने के लिए, तो ठीक ठाक मुझे लग रही है। लेकिन यार ये वाली जो MP40 है ना, रॉयल फ्लैश, ये भी अपनी जगह बेटर है, इसमें भी डबल डैमेज है, रेट ऑफ फायर आपको सिंगल इंक्रीज मिलेगा, बट यार मुझे तो ये वाली ठीक ठाक लग रही है। आपको कौन सी इनमें से बेस्ट लग रही है कमेंट बॉक्स में बताना। और फ्री फायर में बिल्कुल फ्री में डायमंड लेना चाहते हो तो यार उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दे दिया, लिंक पर क्लिक करके आप बिल्कुल फ्री में डायमंड ले सकते हो अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके। एंड गाइस यहाँ पे मैं अगली वीडियो में और डायमंड टॉप अप करूंगा, उसके बाद हम निकालने वाले अपनी न्यू पोकर MP40 को, मतलब जो ओल्ड वाली पोकर MP40 है येलो कलर की, उसे निकालेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।